अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, कैरियर्स हेल्प डेस्क की जानिब से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि रोमानिया गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है वो कितना स्कॉलरशिप है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, किसके लिए ये बनाया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप कैरियर्स हेल्प डेस्क यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, अ लॉट ऑफ वीडियोस जो हैं मैंने यहां पे अपलोड की हुई हैं हर स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही है, मैं तमाम कंप्लीट वीडियो अपलोड करता हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप कैरियर्स हेल्प डेस्क को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है, इस वीडियो से तकरीबन 2 मिनट पहले ही मैंने यही सेम वीडियो बनाई है इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फॉर फॉरनर स्टूडेंट्स। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उर्दू या हिंदी में, ये हमारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ ही रहा होगा, ये मैंने एक थंबनेल बनाया, गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया, रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2020 फॉर BS, MS एंड PhD। BS जिसने FSC की हुई है, MS जिसने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है, PhD जिसने 18 ईयर एजुकेशन की हुई है। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे? आप रोमानिया एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है और ना ही इस स्कॉलरशिप के लिए ना आपको आइट्स, टफल या इसके अलावा किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है डाटा इकट्ठा किया और उसके लिए जो है मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट बनाई। मैं आपको बताता हूं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या विजिट करना है, www.careershelpdesk.com। सो ये आपके पास जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे careershelpdesk.com पे जब आप आके स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पहली पोस्ट ही मिलेगी जिसके अंदर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स, सोशल वेबसाइट पे देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये कुछ दिनों पहले से ही जो है पोस्ट हो चुकी थी डिफरेंट ब्लॉग्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और कहीं पे तो फुली फंडेड भी लिखा हुआ था कि जी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये यहाँ पे ये चीज़ दिया जाएगा, ये सब कुछ दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ असल में ये स्कॉलरशिप है क्या, कितना आपको मिलेगा, आप सर्वाइव कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, अच्छा है या नहीं है, वो सब मैं आपको बताता हूँ विद प्रूफ के साथ, ताकि आप जो हैं अपने फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस ले सकें। देखें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप MFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये तो आपको पता ही है। डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम, मींस जितनी यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप के अंदर आती हैं वो यूनिवर्सिटीज जो जो प्रोग्राम ऑफर करती हैं आप उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है मैक्सिमम प्रोग्राम। मैक्सिमम प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बहुत से प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल्स की हैं, सोशल साइंसेज की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, टेक्नोलॉजीज की हैं, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ये मैंने उस बेसिस पे लिखा है। कोर्स लेवल बैचलर, मास्टर, PhD मैं आपको बता चुका हूँ। स्कॉलरशिप मीन्स अवार्ड, मैंने यहाँ पे देखें एक वर्ड यूज किया स्कॉलरशिप, मैंने यहाँ फुली फंडेड का वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि ये फुली फंडेड है ही नहीं। बेशक इसमें आपका 1 रुपया भी लगता है, जितने भी लगता है, मेरा मकसद है कि मैं आपको जस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सो स्कॉलरशिप ब्रैकेट में मैंने बताया है विल नॉट कवर योर ट्रांसपोर्ट एंड फूड, मीन्स के जो आपकी वहाँ पे खाने का खर्चा होगा और जो आपके जाने का खर्चा होगा, मीन्स के आपकी टिकट, एयर टिकट, वो जो है ये स्कॉलरशिप कवर नहीं करेगा। अब मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ वो मैं आपको जो है प्रूफ दिखाता हूँ जब मैं ऑफिशियल लिंक्स पे जाऊँगा। तो एक्सेस मोड डिपेंड्स ऑन एम्बेसी, नंबर ऑफ अवार्ड्स नॉट नोन, मैं नहीं जानता कितने स्कॉलरशिप्स हैं, नेशनैलिटी इंटरनेशनल, अवार्ड्स कैन बी टेकन इन रोमानिया, डेडलाइन वेरी कंट्री टू कंट्री, मतलब ये कंट्री से कंट्री जो है वेरी करती है डेडलाइन क्या, लेकिन पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है तो पाकिस्तान की डेडलाइन क्या है 5 फरवरी 2020। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे वो रोमानिया की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है उनसे कॉन्टेक्ट करें
या उनकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल जो है इंफॉर्मेशन देखें, क्या उन्होंने वेबसाइट पे ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है स्कॉलरशिप का। अगर नहीं किया तो आप थ्रू ईमेल उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप ये स्कॉलरशिप कब अनाउंस करेंगे। तो ये इंडिया वालों के लिए हो गया, पाकिस्तान के लिए तो मैंने बता ही दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये वही सेम है जैसा कि आपने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए भी पहले देखी होंगी, पढ़ी होंगी, और मे बी आप लोगों ने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। नेशनलिटी इंटरनेशनल होना चाहिए, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, आपके पास कोई और स्कॉलरशिप ना हो, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको आइट्स, टफल या इसके अलावा किसी भी प्रोफिशिएंसी लेटर की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटीज, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो। मैंने यहाँ पे बताया कि आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ ओपन होगा इस तरह से, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज का। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किए, ये मैं सब आपको दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं रोमानिया की, आपने क्या करना है इन तमाम, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुचारेस्ट, ये इनके लिंक्स भी आगे गिवन है www.unibuc.ro। आपने क्या करना है, इन लिंक्स को कॉपी करना है। लिंक्स को कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे जाना है, गूगल से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इनके प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर तो ये आपको मिलती हैं कि जैसा कि ये इनकी लैंग्वेज में मिलती हैं, चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या किया है, आपने जो है एक कॉपी की, कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पे गूगल पे आए, गूगल पे आके आपने इस यूनिवर्सिटी को सर्च किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि कौन सा प्रोग्राम आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये देखें, ये आई है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखते हैं क्या ओपन होता है, क्या मुझे मिलती भी है या नहीं मिलती। तो वो मैं आपको जो है अभी जैसे ही ओपन होती है मैं दिखाता हूँ, इतना हम आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने जो है ये ओपन हो गई है, वेबसाइट ओपन हुई है, लेकिन अभी हो रही है, मेरे ख्याल से मेरा नेट स्लो है शायद इस वजह से। चलें इतना, ये पूरी ओपन होती है तो हम इतना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ से यूनिवर्सिटीज देख लें, यूनिवर्सिटीज देखने के बाद अब हाउ टू अप्लाई, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का पहला स्टेप, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने रोमानिया एम्बेसी जो आपके कंट्री में है उनको एक ईमेल करनी है। ईमेल करते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जो ईमेल कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज इंग्लिश प्रॉपर, आपने प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है और उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंसेस की भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि अगर आपकी होंगी तो वो बैड इम्पैक्ट जाता है। आपने उनको ईमेल करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं खुद से कि नेक्स्ट जो है क्रिसमस की और विंटर हॉलीडेज आ रही हैं, हो सकता है वो आपको रिप्लाई ना करें, लेकिन वो लोग अप्लाई जरूर करेंगे। आपने जब उनको ईमेल कर देनी है, ईमेल करने के बाद आपने एक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्टेप टू। ये मैंने आपको वो तरीका बताया है जो 2019 के लिए था, ये एप्लीकेशन 20 के लिए है, तो ये तरीका 2020 के लिए भी सेम ही है, लेकिन मैंने आपको आपकी आसानी के लिए कि आप प्रिपरेशन कर लें, आप अपनी तैयारी कर लें, 2019 का जो डाटा था, जो तरीका था, मैंने वो यहाँ पे बताया ताकि आप लोग जो है एक प्रॉपर वे से अपनी बना सकें। तरीका अभी भी सेम है, लेकिन क्या होगा जब आप ईमेल कर लें, ईमेल करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना है, या जब वो भी आपको रिप्लाई देंगे, मतलब जब एम्बेसी आपको रिप्लाई करेगी तो वो आपसे डिमांड करेगी कि आप हमें एक ये एमएफए एप्लीकेशन फॉर्म, एक एमएनई एप्लीकेशन फॉर्म, मीन अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, ये सेंड करें विद योर डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंशन करेंगे, वो कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया, अब ये कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा मैंने बताया, जो मैंने बताया कि स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, कितना स्कॉलरशिप होगा, क्या होगा, वो यहाँ पे ये देखें, डिटेल्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, क्लिक हियर टू डाउनलोड द पीडीएफ। ये सब मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों पीडीएफ ओपन है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इन दो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया है, आपने अपनी एप्लीकेशन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ बाय हैंड एम्बेसी में जमा कराना है। आप इसको बाय पोस्ट, बाय कोरियर नहीं सेंड कर सकते, आपने बाय हैंड जाके जमा कराना है और वहाँ पे साइन करने हैं। और आपने एक एप्लीकेशन ही, आपने तीन पैकेज, मीन तीन एप्लीकेशन, हर किसी के तीन तीन फॉर्म आपने जमा कराने हैं। आपकी एक एप्लीकेशन सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मीन अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम नोटरी पब्लिक ऑफिस, एंड
मोफा, मोफा मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इन दोनों से आपके एक डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होनी चाहिए एक एप्लीकेशन, और दूसरी है जो दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन है वो पहले की कॉपीज होनी चाहिए, मीन्स जो आपने अटेस्टेड कराई हैं उसकी कॉपीज आपने दो दो करा लेनी है और तीन एप्लीकेशन पैकेज बनाने हैं। नोट में मैंने क्या बताया है कि जब आप एम्बेसी जाते हैं जमा कराने तो उससे पहले आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले लेनी है, वो आपकी मर्जी है, आप कॉल करके लेते हैं, आपकी मर्जी, आप ईमेल के थ्रू लेते हैं, डाटा अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ईमेल भी गिवन है और कॉल भी गिवन है, कॉल सेंटर्स मींस कॉल नंबर उनके आगे भी लिखा हुआ है काउंसलिंग के हवाले से। सो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वही जो बताया है, लीगलाइज कॉपी मीन्स नोटराइज कॉपी एंड मोफा से अटेस्टेड कॉपी, एजुकेशनल कॉपीज हो, आईडी कार्ड हो, कॉपी ऑफ द फर्स्ट थ्री पेज ऑफ पासपोर्ट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, करिकुलम विटाए हो और दो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी हो। बेनिफिट्स क्या होगा, रोमानिया स्कॉलरशिप जो है विल कवर योर रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूशन फी, फ्री अकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 25 यूरो फॉर बैचलर्स, 75 यूरो फॉर मास्टर्स, 85 यूरो फॉर पीएचडी पर मंथ होगा। दिस स्कॉलरशिप विल नॉट कवर योर फूड एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ मेंशन है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि डिफरेंट वेबसाइट से आप किसको फॉलो करते हैं, कौन आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, वो मैं आपको जो है अभी दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये सेम फिर आगे लिंक्स आ गए हैं, रोमानिया एम्बेसी इन पाकिस्तान इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी, ऑफिशियल स्कॉलरशिप रोमानिया का इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये देखें, ये है जी एम्बेसी ऑफ रोमानिया इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इसने अनाउंस किया है। इसमें अनाउंस करने के बाद इसने भी वो ऑफिशियल लिंक दे दिया है कि आप गाइडलाइन के लिए या आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कैसे अप्लाई करना है क्या चीज़ रिक्वायर्ड, आप ऑफिशियल लिंक पे जाएं। ये देखें ये लिंक और ये लिंक ऑटोमेटिक बिल्कुल सेम है जो ऑफिशियल लिंक है। तो यहाँ पे ये देखें ऑफिशियल लिंक पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप ऑफर बाय द रोमानियन स्टेट फॉरन थ्रू द एमएफए फॉरन सिटीजन, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द रोमानियन स्टेट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो आप जो है डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपने एम्बेसी के थ्रू करना है, और वो जो अपेंडिक्स वन एप्लीकेशन फॉर्म, अपेंडिक्स टू एप्लीकेशन फॉर्म टू, अपेंडिक्स थ्री जो है वो डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप, अपेंडिक्स फोर जो है ये आपके पास यूनिवर्सिटीज लिस्ट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हर लैंग्वेज में गिवन है, स्पेनिश में भी गिवन है, इंग्लिश में भी गिवन है और मेरे ख्याल से रोमानियन में भी गिवन है। तो ये तो हो गई ऑफिशियल की बात, तो ये है, ये मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म वन। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म वन जिसको एमएफए एप्लीकेशन अपेंडिक्स वन कहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे मे बी जो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करें वो इंग्लिश में हो, अगर इंग्लिश में ना हुआ यही सेम हुआ तो वो आपसे ये बताएंगे कि ये चीज़ जो लिखी हुई है आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है लेकिन आपने अपना आंसर इंग्लिश में लिखना है। मैंने इसको ट्रांसलेट करके देखा, मैंने पूरा नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, बहुत आसान एप्लीकेशन फॉर्म है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री मांगी हुई है कि आप अपना एजुकेशनल हिस्ट्री बताएं, मीन्स की हाइएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, कौन सा इदारा था, कौन सा डिपार्टमेंट था, फैकल्टी कौन सी थी, स्पेशलाइजेशन आपकी किस में थी, उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन जर्नल्स हैं, नेशनलिटी आपकी क्या है, पोस्टल एड्रेस आपका क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल आपका क्या है, उसके बाद येस नो ये आप इसको कर लेंगे, आई वुड लाइक टू अटेंड रोमानियन क्लासेस, बिल्कुल आपने येस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपकी एजुकेशन की डिटेल वो मांग रहा है डिटेल में, यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, यहाँ पे आपकी कोई भी अगर स्पेशलाइजेशन है, अवार्ड ऑनर कुछ भी है वो बताएंगे। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म एक ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक से मुराद यूनिवर्सिटी जो है आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेके देगी यूनिवर्सिटी से, तो आपने इसको फिलअप करना है या पिक्चर लगाने, ये भी सेम वही है, नेम, सरनेम, आपका कंट्री, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल, जेंडर फील्ड, समथिंग लाइक दैट, तो ये कुछ होगा। इसके बाद जो यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रेड, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, स्पेशलाइजेशन, ये देखें इंग्लिश में है, तो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट है, एट दी एंड आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर करने के बाद आपने एम्बेसी को भेज देना है। एम्बेसी को भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं मैंने वो भी बता दिए, सब कुछ आपको पता चल गया कैसे आपने करना है। हाँ, अभी एक कन्फ्यूजन है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। एप्लीकेशन बहुत आसान है, मैंने इसको ट्रांसलेट करके देखा, मेरे पास ट्रांसलेटेड फाइल नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, क्योंकि हो सकता है जो एम्बेसी आपको दे वो इंग्लिश फॉर्म में ही दे, या अगर आप इंडिया से हैं तो मे बी वो आपको आपकी लैंग्वेज में दे, तो ये आसान होता है। अगर ना भी दे तो वो आपसे ये कहेंगी कि आप जो है इसको यहाँ से इसको ट्रांसलेट करें,
और अपना आंसर जो है आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आपको इंग्लिश में देंगे ताकि आपके लिए फिल करना आसान हो। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये तो हो गया अप्लाई करने का तरीका, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अब सबसे पहले अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो है डिटेल, स्कॉलरशिप की डिटेल, जो मैंने कहा है कि सर ये फुली फंडेड नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं फुली फंडेड नहीं है। मैं अब आपको ये डिटेल दिखाता हूँ, ये है अपेंडिक्स 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ, पहले ये देखें, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दी ग्रांट इज अवार्डेड मंथली टू द स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट मास्टर थ्रू आउट द होल एकेडमिक ईयर, द विंटर एंड स्प्रिंग वेकेशन इंक्लूडेड बट नॉट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मीन्स के जो समर वेकेशन वहाँ पे होंगी उसके दौरान आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, स्कॉलरशिप कंसिस्ट ऑफ फ्री ऑफ चार्ज ट्यूशन, ट्यूशन फी फ्री होगी, आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या स्कॉलरशिप होगा ये मैं बता चुका हूँ, 65 यूरो, 75 यूरो एंड 85 यूरो। ये देखें बोल्ड कलर में, दी स्कॉलरशिप डू नॉट कवर फूड, इंटरनेशनल एंड दी लोकल ट्रांसपोर्ट। वो आपको कह रहा है कि ये चीज़ जो है कवर नहीं करता। द कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू पर्सनली सपोर्ट एनी अदर एडिशनल एक्सपेंसिस। तो ये चीज़ें मैंने क्लियरली वहाँ पे बता दी, तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, देखें आप ले सकते हैं, कोई टिकट खरीदना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप बाहर जाके पढ़ेंगे सब कुछ है, तो स्कॉलरशिप पे जो है आप जाने के लिए अगर आपको इतना खर्चा होता है कि आप टिकट खरीदें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज दूँ कि होता क्या है, करना कैसे है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मैंने इसलिए सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ दी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी ट्रैफिक आती है नहीं, मुझे मेरी पोस्ट को लोग देखते हैं नहीं, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि जो मेरा डाटा पढ़े तो वो डाटा ऑथेंटिक हो, कल को वो ये ना कहे कि उस्मान भाई ने जो है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की और उसकी वजह से हमारा ये नुकसान हो गया। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे फेसबुक ग्रुप में कितने लोग आते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि हमें फॉलो कौन लोग कर रहे हैं और उनके लिए हम क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये था रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसमें आपने अप्लाई करना है, क्योंकि मैं देख रहा था डिफरेंट जगह पे फुली फंडेड के ऑप्शंस आए, ये वो आए, मैंने सोचा कि शायद ये बच्चों के लिए नुकसानदेह हो, इस वजह से मैंने जल्दी से जल्दी जो है इस पर पोस्ट बनाई और जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो एट द एंड आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है ये कि आप कैरियर रिजल्ट बैक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपके शेयर करने से किसी ऐसे तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए जो इंटरेस्टेड हों, जो जाने के लिए तैयार हों, जो अप्लाई कर रहे हों, जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तलाश कर रहे थे कि कब अनाउंस होंगी। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक डाटा के लिए, ऑथेंटिक पैटर्न के लिए कैसे अप्लाई करना है www.careershelpdesk.com को विजिट करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई, तो ये मेरा फेसबुक ग्रुप भी इसी नाम से है, कैरियर्स हेल्प डेस्क, आप इसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे पोस्ट करें, मेरे अलावा यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे अगर मैं अवेलेबल ना हुआ तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।